संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। लगातार दूसरे साल इस परीक्षा में महिलाओं ने ही टॉप किया। परीक्षा में टॉप चार रैंक महिलाओं ने ही हासिल की है। यूपीएससी 2022 की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप फोर में इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हर्थी और स्मृति मिश्रा ने जगह बनाई, जबकि असम के मयूर हजारिका ने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किए। परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं और अन्य सफल छात्रों को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। इस परीक्षा में कुल 933 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिनमें 613 पुरुष और 320 महिलाएं शामिल हैं। डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कथन को सही साबित किया है। हमारे साथ मौजूद है इशिता किशोर, जिन्होंने यूपीएससी 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल कर पूरे इंडिया में टॉप किया है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इशिता किशोर मौजूद हैं। इशिता जी, कैसा लग रहा है आपको यूपीएससी टॉप कर? बहुत अच्छा लग रहा है और अनबिलीवेबल लग रहा है, और बहुत मेहनत की है तो अच्छा लग रहा है। इस पूरी तैयारी में आपके साथ कौन कौन था, कितनी चैलेंजिंग आपकी ये पूरी रास्ता रहा, कैसे आपने इस पूरे चैलेंजेस को मैनेज किया? आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी है, तो बहुत लोगों का सपोर्ट लगता है। मेरी पूरी फैमिली आज यहाँ है, बचपन से सबने ही बहुत सपोर्ट किया है और बहुत इनकरेज किया है हर चीज़ के लिए, नॉट जस्ट एकेडमिक, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत पुश किया है, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स भी बहुत खेला है अपनी ज़िंदगी में। तो आज भी सब है और इन 3 सालों में भी सब रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स ना भी हुआ हो, सबने यही कहा कि तुम कर सकती हो, बस अपनी गलतियाँ ढूंढो और मेहनत करो, बाकी सब भूल जाओ। 3 अटेम्प्ट्स करने के बाद जब आदमी थक जाता है, हार जाता है, तो उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती है। आपने आपको मोटिवेट कैसे किया कि एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए? आई थिंक ये जॉब ही मोटिवेशन है। अगर आपको IAS बनने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप इतने लोगों तक पहुँच सकते हैं और इतना बदलाव ला सकते हैं और अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, दैट वॉज द मोटिवेशन फॉर मी। आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। आपके ऑप्शन शब्द के बारे में बात करना चाहेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत का डंका पूरे विश्व में बच रहा है और भारत के रिलेशन पड़ोसी देशों से कैसे हो रखे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं, तो भारत को किस नज़रिए से लोग देखना शुरू कर चुके हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भारत अब विश्वगुरु है और G20 में भी हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि इंडिया इज़ नाउ कमिंग फॉरवर्ड। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड and India is one of the foremost economies, and today we are fulfilling not just our climate commitments but also improving our economic opportunities. So today to serve this country I'm very proud. जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो न्यू बिगनर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें और अब ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? ये जर्नी बहुत लंबी है, तो ध्यान से चुने क्या करना चाहते हैं, एंड प्लीज़ बी वेरी सिंसियर एंड प्रोफेशनल। ये आपका मतलब दिस इज़ नॉट एन एग्जाम फॉर सम डिग्री, इट इज़ एन एग्जाम फॉर अ जॉब एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, सो प्लीज़ टेक योर गोल्स वेरी इंपॉर्टेंटली। मुझे भी किसी ने कहा था कि तुम्हारी IAS बनने की जर्नी तुम्हारे प्रिपरेशन वाले दिन से शुरू हो जाती है, तो क्या आप इस जर्नी में रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, एंड वो एक नेवर से डाई एटीट्यूड की नहीं, जो भी हो करना है तो करना है। पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल में रहा, पॉलिटिकल साइंस आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा और भारत की पॉलिटिक्स में आपको कितना इंटरेस्ट है? मुझे काफ़ी दिलचस्पी थी, कॉलेज के दिनों से ही मेरा इलेक्टिव था पॉलिटिकल साइंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मुझे बहुत दिलचस्पी थी, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैं आराम से पढ़ सकती थी एंड और लिखने में भी मुझे मज़ा आता था, तो PSIR मैंने इसीलिए चुना। एंड इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो PSIR में ज़्यादा अच्छी से। भारत के अंदर जिस तरह से राजनीति होती है और जिस तरह के राजनेता यहाँ पर देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, क्या किसी राजनेता से आप इंस्पायर होती हैं या फिर किसी से कुछ सीखने को मिला जिसकी वजह से आपका पॉलिटिकल में इंटरेस्ट बना? आई थिंक हम काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो पॉलिटिक्स नहीं बट पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ अ स्टेट, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड हाउ द ब्यूरोक्रेसी मस्ट फंक्शन, वहाँ मेरा इंटरेस्ट बहुत था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीएससी 2022 की टॉपर इशिता किशोर की माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर और बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। थैंक यू। इस पूरी जर्नी में किस तरह से इशिता ने पढ़ाई करी, किस तरह से उसको ये सफ़र चैलेंजिंग रहा कि नहीं रही, आपने किस तरह से मैनेज किया उसको इस पढ़ाई में पूरी? ये जर्नी बहुत लंबी है, ये छोटी जर्नी नहीं है। एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एटलीस्ट आपको वन ईयर लॉन्ग एग्ज़ाम है। इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, आपको पढ़ना भी पड़ता है, अपना संतुलन बना कर रखना होता है। तो मैं जहाँ तक कोशिश मैं करती थी कि मैं हमेशा इसके साथ रहूँ, कि कहीं पर भी अगर ये मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उसके साथ रहती थी। सोसाइटी में रहने के बाद आपने बताया कि आपके आप देख ही रही हैं कि यहाँ पर कितने लोगों का तांता लगा हुआ है बधाई देने का, तो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं कि
और वो जो स्ट्रगल का दौर था जब पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, वो दिन और आज के दिन को किस तरह से देखती हैं, कैसे कंपेयर करेंगे आप? वो बहुत कठिन समय था, पर ऐसा होता है कि हर समय गुजर जाता है और अच्छे से गुजरता है, तो वो जर्नी ही एक बहुत प्लेजरेबल जर्नी लगती है कि हाँ बच्चे ने एक मुकाम हासिल कर लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम, ऑप्शनल सब्जेक्ट में इशिता ने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज़ किया, क्या उस पढ़ाई को लेकर भी आपने, आपसे कभी उन्होंने कोई बात साझा कर दी थी? और जिस तरह से कहते हैं कि आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है, सारा दिन किताबों में रहना पड़ता है, समाज से दूर रहना पड़ता है, सोशल एक्टिविटीज से वो दूर हो जाते हैं, क्या इशिता ने भी कुछ इस तरह से फॉलो किया सब चीज़ों को? हाँ, सब कुछ फॉलो किया है, और सोसाइटी में रहती भी थी लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में वो बहुत फोकस्ड रहती थी और पढ़ती थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, आपको बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते थे जिसमें वो नहीं जा पाती थी, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टारगेट इसने अपने सामने रखा था जिसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल था, तो थैंकफुली इट हैज़ बीन अचीव्ड। भविष्य में इशिता को आप कहाँ देखना चाहती हैं? अगर देखना चाहने की बात है तो हमेशा मैं तो उसे टॉप पे ही देखना चाहूँगी, मैं क्यों नीचे कुछ ये करूँ। I always wish that my child should be happy and on the top. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी इशिता की मदर, इन्होंने आपने सुना किस तरह से अपने बच्चे की जो पूरी जर्नी है उसको डिस्क्राइब किया, किस तरह के चैलेंजेस आए वो सब आपको बताया। वीडियो जर्नलिस्ट कमल बिस्ट के साथ मैं पुलकित, ग्रेटर नोएडा।